चलो बात करते हैं संख्या पद्धति की, और उसमें पहले बात करेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं की। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। तो पहले प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण पूर्णांक संख्या है, अपूर्ण भाज्य संख्या है, अपूर्ण अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सब संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य अभाज्य सहभाज्य सम संख्या विषम संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक के बारे में जानना शुरू करते हैं हम लोग। ये सारी संख्या सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याएं जो है इनका प्रतीक, मतलब इन्हें किससे लिखते हैं, इनका प्रतीक होता है एन। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक दो तीन चार और अनंत तक। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो परिभाषा है वो गणितज्ञ थे पाइनोस। पाइनोस के अनुसार, पाइनोस के अनुसार जिन संख्याओं से, जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं पाइनोस के अनुसार वे संख्याएं जिनसे कोई वस्तुएं काउंट कर सकते हैं, गिनी जाती हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो एन, एन इनका प्रतीक है, एन से डिनोट की जाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से। प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत है वो एक से होती है। ठीक है, ये तो बात रही प्राकृतिक संख्या एक से लेकर और अनंत तक, एक दो तीन चार और बहुत सारी। ठीक है भाई, बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, दूसरी जो हम लोग संख्या पढ़ेंगे वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ठीक है, इंग्लिश में कहे तो कहते हैं होल नंबर। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग लिखते हैं या डिनोट करते हैं, प्रतीक जो है वो है डब्ल्यू। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, जीरो एक दो तीन चार और बहुत सारे। ठीक है भाई, ध्यान रखना प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो डब्ल्यू से डिनोट की जाती हैं, डब्ल्यू इनका प्रतीक होता है, होल नंबर कहते हैं, और शुरुआत होती है जीरो से। पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है,
जबकि प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है। ठीक है भाई, आगे देखो, बात करते हैं इसके बाद आते पूर्णांक की। तीसरा जो है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, ठीक है भाई। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो प्रतीक होता है वो जेड होता है, ठीक है भाई। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, उनका जो प्रतीक होता है वो होता है जेड। इनकी जेड प्रतीक होने का कारण है कि पूर्णांक जो है इनकी खोज की थी किसने, जेहलिन, ठीक है भाई। जेहलिन जो है ये जर्मनी के कर्तव्य थे, इन्होंने इनकी खोज की थी पूर्णांक की, इसलिए जेड से, जेहलिन जेड से है, इसलिए इनके नाम के कारण ही प्रतीक दिया गया इसका, क्या जेड, ठीक है भाई। जैसे मान लो संख्या -5 है, आप इसे पूर्णांक कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे या पूर्ण संख्या कहेंगे, तो जो -5 है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक, -5 पूर्णांक है, ठीक। अच्छा, केवल 5 हो, केवल 5 हो, इसे आप क्या कहोगे, अगर केवल 5 हो तो आप इसे क्या कहोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली 5, अगर केवल 5 है तो ये प्राकृतिक भी है, ये पूर्ण भी है और ये पूर्णांक भी है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलती रहती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलती रहती है, ठीक है। और अगर पूर्णांक है तो वो माइनस के, अच्छा इनके बारे में हमने आपको पूर्णांक नहीं बताया, पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो अनंत से, अनंत से ऋणात्मक अनंत से -3, -2, -1 फिर आया 0 और उसके बाद +1, +2, +3 माने ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक, नेगेटिव में माइनस के संख्याओं से लेकर धनात्मक संख्या सभी जो है वो कहलाते हैं क्या, पूर्णांक। अब आप देखो यहां अगर 5 आपको मिलेगा तो 5 पूर्णांक भी है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम ये कहें आपसे कि आप शून्य बताओ, 0 क्या है, 0 क्या है, तो आप समझ रहे हैं कि जो 0 है वो पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, समझ गए मेरी बात, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 उसमें शून्य नहीं आती, 0 आती पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांक में। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान लो हम आपसे ये कहें कि √25 है, √25 है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, बताओ भाई, ये बताओ भाई, सोच के बताओगे, ठीक है भाई। अगर 25 है, 25 है, तो इसका जो वर्गमूल आता है वो माइनस और प्लस 5 दोनों होता है, माइनस का 5 भी हो सकता है और प्लस का 5 भी हो सकता है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो प्लस 5 है, तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इनका ही ध्यान रखना है कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या और कौन पूर्णांक संख्या है। आगे देखिए, इससे संबंधित जो सवाल पूछता है वो देखो कैसे पूछेगा आपसे, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हों तो पहला, क्या ए प्लस बी
ए प्लस बी हमेशा प्राकृत संख्या होगा, ए प्लस बी हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, बताओ ये सही है गलत है? आपको यह बताना है कि अगर ए बी दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आप समझते हैं जिनकी शुरुआत होती है एक से, एक दो तीन चार पांच और बहुत सारी, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो अगर ए और बी, ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी का जो योग है अगर आप ए बी एड करोगे तो ये क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? तो अब आप देखो, आप ए का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लो, आप जो चाहो वो रखो, ए का मान पांच रख लिया और बी का मान तीन रख लिया, अगर आप ए प्लस बी करोगे, पांच प्लस तीन करोगे तो ये आठ आएगा, और आठ भी एक ऐसी कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब कि अगर a प्लस बी, ए बी दो प्राकृतिक संख्या होंगी, और अगर आप a और b को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, माने ये चीज जो है हमेशा सत्य है, सही है, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सत्य है कि a प्लस बी हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। दूसरी देखो, क्या a माइनस बी हमेशा हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी? अब आपको फिर से ध्यान से समझना है कि a b जो है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, माइनस अगर करना, धनात्मक अगर आप प्लस करें, a प्लस बी दो पूरा दो प्राकृतिक संख्या a b, अगर आप a b जोड़ रहे तो ये हमेशा ध्यान रखना ये प्राकृतिक संख्या ही आएगी, लेकिन अब a माइनस बी है तो क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी? देखो, जैसे a का मान आपने पांच माना और b का मान आपने तीन रख लिया, तो अब आप a माइनस बी करोगे अगर, तो आपको पता है a का मान पांच, b का मान तीन, आंसर आया दो, ये प्राकृतिक संख्या है दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने a का मान रखा तीन और b का मान रखा पांच, तब आप a माइनस बी करोगे, माने तीन माइनस पांच करोगे, तो आंसर आएगा माइनस का दो, और माइनस का दो जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, ऋणात्मक मान जो है पूर्णांक में आता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी, a और b प्राकृतिक संख्या, अगर a b माइनस करोगे तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये असत्य है, ये सही नहीं है। a माइनस बी करो, हम मतलब आपको ये चेक करवा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो करके देखो कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? आपको बात ये ध्यान रखनी है, हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखो ऐसा करके क्या ऐसा होगा, अगर a माइनस बी होगा, a माइनस बी करोगे आप तो a अगर बड़ा होगा तब तो ठीक है, तब तो प्राकृतिक होगा, लेकिन अगर a छोटा है तो ये प्राकृतिक नहीं होगा, फिर ये पूर्णांक होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर a भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और तब a माइनस बी कर अगर आप कर रहे हैं तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है, कभी कभी ये पूर्णांक भी हो सकता है। आगे देखो, थर्ड देखो, क्या a गुणा बी हमेशा प्राकृत संख्या होगा? a गुणा बी बताओ, a b का गुणा कर दो, a b क्या है पता है आपको? प्राकृतिक संख्या है, a b कोई भी संख्या रख लो, आपको जो ठीक लगे वो आप समझ रहे हैं, बस a b आपने रख ली मान लो, तो a गुणा बी करो, आठ गुणा दो करो, कितना आया 16, 16 किस में आएगा, प्राकृतिक संख्या में या पूर्णांक में या पूर्ण संख्या में? अब पता है कि ये निश्चित रूप से प्राकृतिक संख्या है, आप कोई और संख्या रख के देखो तो जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई? तो ये हमेशा कैसा होगा, ये सत्य है हमेशा, ठीक है, यहां आप सत्य सत्य जगह पे हा ना भी लिख सकते हैं, ए और ए गुणा भी हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हाँ सही है गलत है, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो अगर ये भाग होता, ए भाग बी हमेशा ए भाग बी जो है ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, अब आप ये बताओ, बताओ भाई
नहीं होगी। समझ में नहीं आ रही बात। देखो भाई, ए बी आप प्राकृतिक संख्या है, ए बी प्राकृतिक संख्या है, ए बी को कुछ भी रखो यार। अगर आपने ए को रख लिया मान लो 4 और बी को रख लिया आपने 8, ठीक है। अब ए में भाग दो बी से, 4 में भाग दो 8 से, ठीक है। तो आप कहोगे सर 4/8, इसका मतलब आएगा 0.5, 0.5, और 0.5 क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 में थोड़े नहीं होते प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब ये कभी, ये हमेशा प्राकृतिक, हाँ ऐसा हो सकता है, कभी कभी तो हो सकता है। कैसे? अगर आप ए को रख लो 8 और बी को रख लो 4, अब आप ए भाग बी करो, 8/4 करो, तो आंसर कितना आएगा? 2। ये तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन सवाल इसका, क्या ऐसा हमेशा होगा? हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये फिर असत्य है या नो है, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट। क्या ए की पावर बी हमेशा हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगी। आप बताइए, अगर ए की पावर बी है तो क्या ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी? ए को आप कुछ इधर इधर बताते हैं आपको। ए को आपने मान लो 2 रख लिया और बी को आपने 5 रख लिया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे सर? 2^5, तो आंसर कितना आया? 32। ये भी प्राकृतिक संख्या है। हो सकता है आप कहो नहीं सर, बदल के देख लो, ए को रखो 5, बी को रखो 2, अब बताओगे ए की पावर तो कितना आएगा? 25। तब भी प्राकृतिक संख्या है। तो ये अगर ए की पावर बी है, माने एक प्राकृतिक संख्या पे अगर दूसरी प्राकृतिक संख्या घातांक रूप में लिखी जाए तो वो हमेशा प्राकृतिक ही आएगी, ये एकदम से सत्य है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। अगला सवाल देखो आगे। यदि ए बी 2 पूर्णांक हो तो फर्स्ट देखो, अब अगर बात पूर्णांक की, ए बी पूर्णांक है, तो पहला, क्या ए प्लस बी हमेशा पूर्णांक होगा? ए प्लस बी जो है वो क्या हमेशा पूर्णांक आएगा? बताओ, वो आप सोच के देखो, कुछ भी आप ये सब अपनी मर्जी से चेक करके देख लो। पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं? पूर्णांक का मतलब माइनस की संख्याएं सभी 0 और प्लस की सभी, सभी माइनस की, सभी प्लस की और 0, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब ए बी को आप कुछ भी रखो, यानी वो चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, ए का मान मान लो 5 रख दिया और बी का मान हमने माइनस के 2 रख दिया अपनी मर्जी से। अब आप ए प्लस बी करो, अगर आप ए प्लस बी करोगे माने 5+2 करोगे तो 2 माइनस के हैं, तो आंसर आएगा कितना? 3। तो 3 आएगा पूर्णांक में, धन का हो चाहे ऋण का, वो पूर्णांक होगा। इसका मतलब कभी भी अगर ए बी 2 पूर्णांक है तो फिर ए प्लस बी भी हमेशा पूर्णांक ही होगा, यह सत्य है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, ये जितने सवाल आप कर रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप रेलवे का स्पेशली एग्जाम देखो तो उसमें बहुत पूछा जाता है इस तरह के सवाल, ठीक है। क्या ए माइनस बी हमेशा पूर्णांक होगा? अब आप a माइनस बी बताओ, तो आप किसी भी संख्या, कोई संख्या छोटी रखो बड़ी बड़ी रखो, या तो मान 0 होगा या मान माइनस का आएगा या मान प्लस का आएगा। तो ये भी हमेशा,
ये संख्या भी हमेशा कैसी होगी? पूर्णांक होगा हमेशा, ठीक है। थर्ड देखो, क्या ए गुणा बी हमेशा पूर्णांक होगा? ए गुणा बी बताओ, क्या ए गुणा बी हमेशा पूर्णांक होगा या नहीं? अब आपको ध्यान समझना, ए को आप कुछ भी रखो, ए को आपने माइनस दो रख लिया और बी को आपने मान लीजिए कि पांच प्लस का रख दिया, ए गुणा बी करोगे? ए गुणा बी करो, ए की जगह पे माइनस दो, बी की जगह पे पांच, गुणा करो, पांच दुनी दस आएंगे किसके? माइनस के। वैल्यू चाहे माइनस में आए वो भी पूर्णांक होता, चाहे धन में आए वो भी पूर्णांक होता, तो ये हमेशा पूर्णांक होगा, सत्य है। हम ये बता देते हैं बाद में, ठीक है, बता रहा हूं। डी देखो अगला, क्या ए भाग बी हमेशा पूर्णांक होगा? अब देखो ध्यान से, ए भाग बी करना है, जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू आपने रख दी चलो आठ, और बी की वैल्यू रखी आपने मान लीजिए चार, अब आप ए भाग बी करोगे? ए भाग बी करोगे, इसका मतलब आठ भाग चार करोगे, मान कितना आया? ये पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ए की वैल्यू रख दी मान लो सात, ठीक है, और बी की वैल्यू रख दी मान लो तीन, ठीक है, या दो रख लो चलो, अब अगर आप रखोगे तो आप कहोगे सर ए भाग बी करोगे, माने सात भाग दो करोगे, सात भाग दो करोगे तो साढ़े तीन आएगा, ये तो पूर्णांक नहीं है। मतलब पूर्ण वैल्यू आनी चाहिए, चाहे ऋण की हो चाहे धन की हो, लेकिन आनी चाहिए पूर्ण, ये पूर्णांक कहाँ है? तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ए बी दो पूर्णांक है तो ए भाग बी, जब ए बी पूर्णांकों का भाग किया जाएगा तो हमेशा पूर्णांक आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए यहां तक आप समझ गए, अगला पॉइंट देखो। क्या ए की पावर बी, ए की पावर बी हमेशा पूर्णांक होगा? देखो ध्यान से समझना, जहां समझना आप बता देना, इसको समझा रहे हैं आपको ई बारे, लास्ट पॉइंट, क्या ऐसा होगा? देखो अगर आपने ए का मान रख लिया मान लो पांच, ठीक है, और बी को रख लिया आपने मान लीजिए दो, अब आप कहोगे सर ए की पावर बी है, इसका मतलब पांच की पावर दो होगा, तो मान कितना होगा? 25, ये पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, पूर्णांक है। अब दोबारा देखो ध्यान से कि अगर हमने ए को रखा पांच और बी को माइनस दो रख दें, बी को क्या रख दें, पूर्णांक है या नहीं? माइनस दो पूर्णांक है या नहीं? पूर्णांक तो हर संख्या होती है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, पूर्ण संख्या हो पूर्णांक है, तो माइनस दो भी पूर्णांक और पांच भी पूर्णांक है। उसने भी आपसे ये कहा कि ए भी दो पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों पूर्णांक है ये। अब आप अगर ए की पावर भी रखोगे, मतलब पांच की पावर माइनस दो करोगे, तो अब जब माइनस हो जाता है तो आपको लिखना होता है एक बटे पांच की पावर दो, समझ गए? और जब एक बटे पांच की पावर दो है तो आप कहोगे सर एक बटे 25, और एक बटे 25 जो है बेटा ये पूर्णांक नहीं है, इसका मान क्या होगा? तो 25 का भाग देते हैं 0, फिर 0, फिर 4, ये तो पूर्णांक नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी पूर्णांक हो, तो ए की पावर बी किया जाए तो वो भी हमेशा एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हम तीन संख्याएं समझ गए, एक तो हम प्राकृतिक संख्याओं संबंधित बात कर ली, हमने पूर्ण संख्याओं संबंधित बात कर ली, और पूर्णांक से संबंधित सवाल की बात कर चुके हम, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवालों, बस यहाँ तक रखते हैं, आगे कल मिलते हैं।